उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद पहली बार इन्वेस्टर समिट का रविवार को आगाज हुआ। बता दें कि इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी दौरान मोदी ने उत्तराखंड को संभावनाओं से भरा हुआ राज्य बताया। वहीं समिट में उपस्थित पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने भी सहभागिता की और राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करके जा चुके हैं। पूरे देश में एक बड़े नियोक्ता के तौर पे पतंजलि की पहचान है। हमारे साथ पतंजलि के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण हैं, जिन्होंने इसके मंच से कहा कि पतंजलि क्या क्या कर रही है और क्या भविष्य में करने वाली है। आइए पूछते हैं कि इस तरह के इवेंट को आचार्य बालकृष्ण किस रूप में देखते हैं और कितना बड़ा अवसर होगा उत्तराखंड के लिए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये पहला आयोजन हुआ है। उससे बाहर के लोगों को जहां उत्तराखंड को समझने वहीं उत्तराखंड को के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तराखंड के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा, हम ऐसा मानते हैं। अच्छा जी, पतंजलि किस किस सेक्टर में करने जा रहा है? पहले से ही जिन सेक्टर में हैं कि हम लोग जैसे एजुकेशन के लिए और काम आगे करने वाले हैं, हेल्थ के लिए और बढ़ाने वाले हैं, और हम वेलनेस सेंटर वगैरह बनाने वाले हैं, रिसर्च के लिए और आगे हम काम करने वाले हैं, फूड प्रोसेस के लिए भी हम काम करने वाले हैं, कैटल फीड आदि के लिए भी हम लोग और काम करने वाले हैं। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि भारत सरकार को उत्तराखंड के निवेश के क्षेत्र में पूरी मदद मिलेगी, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, एक बड़े नियोक्ता एक बड़े उद्योगपति के नाते? उनका लगाव है, गहरा लगाव है। वो चाहते हैं उत्तराखंड के विकास को, चाहते हैं यहाँ के लोगों की समृद्धि को, क्योंकि यहाँ की समृद्धि न केवल उत्तराखंड की समृद्धि है, अभी तो हमारी संस्कृति की समृद्धि है। ये पूरी दुनिया के लोग उत्तराखंड में आते हैं, एक तो पर्यटन तीर्थाटन के रूप में आए वो अच्छी बात है, पर दूसरा यहाँ के अभाव को नहीं यहाँ के वैभव को देख करके लोग जाएँ, यही सोच मोदी जी की है। साधना प्लस से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ये थे हमारे साथ पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को अप्रिशिएट किया और इस इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के बहुत ही आशावादिता जताई है और उम्मीद किया है कि यह उत्तराखंड की आर्थिक छवि को बदलेगा और यहाँ के युवाओं के लिए एक बड़े अवसर के उत्पाद के तौर पे प्रस्थापित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जय सिंह बिष्ट के साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह, देहरादून।